हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय, वेलकम एट जीके राजस्थान। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, खुश हैं? चलिए तो अच्छे आज भी आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स के साथ, राइट? वर्ड्स आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे और वर्ड आई होप आप लोग का इम्प्रूव भी हो रहा होगा। हो रहा है ना बच्चो? कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू इम्प्रूविंग योर वर्ड्स? वर्ड धीरे धीरे सुधर रहे हैं ना बच्चे, और सुधरता जाएगा, डोंट वरी, राइट? कम ऑन एवरीबॉडी। चलो बच्चे तो ध्यान दो। अब देखो ये वर्ड है, ध्यान देना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, तो आप ये समझ सकते हो कि कितना अच्छा वर्ड है। देखो ये क्या है, सिचुएशन देखो, राइट? तो देखिए ये क्या है, मकान मालिक हैं और ये किराएदार हैं। ध्यान देना बेटे, ये मकान मालिक हैं दोनों लोग, हस्बैंड एंड वाइफ, और ये किराएदार हैं, इनके यहाँ किराया लेके आए, किराए के लिए आए हैं। तो अब आप बताओ बेटे कि अगर इंसान, ध्यान देना, यदि इंसान को किराए के मकान में रहना है, राइट, अगर आप किराएदार हैं तो आप क्या कहे जाएंगे, राइट? इंग्लिश में अगर कोई किराएदार है तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टेनेंट कहते हैं। अब आप बताओ कि अगर आपको शहर में रहना है तो आपको तो मकान चाहिए, और मकान चाहिए तो राइट आपको देना क्या पड़ेगा, उसके लिए रेंट देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे रेंट ना देना पड़े, मैं किराएदार ना बनूं, टेनेंट ना बनूं, तब आप एक ही चीज आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो क्या यूज करनी पड़ेगी, टेंट। तो ठीक बेटा, अगर आपको शहर में रहना है और आप चाहते हैं कि मैं क्या ना बनूं, क्या न बनूं, किराएदार न बनूं, मुझे रेंट देना पड़े, रेंट माने क्या होता है बेटे, किराया होता है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि मैं टेनेंट न बनूं, किराएदार न बनूं, राइट, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो बेटे कि मुझे कुछ न देना पड़े, तो आपको क्या खरीदना पड़ेगा, टेंट, क्या खरीदना पड़ेगा, टेंट। तो आप देखो कितने अच्छे से वर्ड याद हो गया, कैसे कितने अच्छे से याद हो गया कि पहला शब्द कि टेंट में रहना पड़ेगा अगर आप टेनेंट नहीं बनते हो, किराएदार नहीं बनते हो, और अगर आप रेंट नहीं देना चाहते हो तो टेंट में रहना पड़ेगा, टेंट में रहना पड़ेगा। बोलो बच्चे याद हो गया कि नहीं हो गया? कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बोल दो बेटे, याद हो गया ना? ओहो, कम ऑन एवरीबॉडी, हाँ बेटा फटाफट। अब देखो क्या होता है, अ पर्सन हु रेंट्स लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम लैंडलॉर्ड, टेनेंट राइट माने किराएदारों का अधिकार। ठीक है बेटे, बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं, किराए पर पैसे देते हैं। तो एक बहुत छोटी सी शायरी मुझे याद आ गई कि बड़ा अच्छा सा, बड़ा हार्ट टचिंग है, कि परिंदे भी नहीं रहते हैं पराए के आशियानों में, और मेरी उम्र गुजर गई किराए के मकानों में, राइट? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता था, बहुत पहले मैं भी रेंट पर ही रहता था, फिर नाउ आई हैव माय ओन हाउस एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस, कहने का मतलब मेरे बेटे ये है कि आई थिंक ये वर्ड आपको याद हो गया होगा, ठीक? चलो बेटे, अगला वर्ड है मडल। मडल मींस क्या होता है, देखो अगर चित्र को देखोगे, इमेज को देखोगे, देखो ये भाई साहब क्या है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, राइट? अब आप देखो बहुत पैसा ही पैसा चारों तरफ दिख रहा है, पैसा ही पैसा चारों तरफ दिख रहा है बेटे, इसका मतलब कुछ घोटाला उटाला किया होगा इन्होंने ना, राइट? तो मडल, मडल मींस क्या होता है, घोटाला होता है। देखो वर्ड को बेटे, मडल मींस क्या होता है, घोटाला होता है, ठीक? अब देखो ये वर्ड है मडल, मडल माने क्या होता है, कीचड़ में फंस जाना। तो जो घोटाला करता है वो मड में फंस जाता है, मड में लेकर डूब जाता है, मड में चला जाता है। तो बेटे ये मडल माने घोटाला, बोलो बेटे एक बार, मडल मींस होता है घोटाला। और अगला वर्ड क्या होता है बेटे, स्कैम भी होता है, SCAM, सुना होगा बेटे कि चारा घोटाला, क्या होता है बेटे, फॉर्डर स्कैम, SCAM। बताओ फॉर्डर स्कैम किसने किया था, कम ऑन एवरीवन, फॉर्डर स्कैम किसने किया था बेटे, कम ऑन बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग दिलीप, किट्टू, श्रीमाली, निशा, मीना बेटे, सब लोग गुड मॉर्निंग, चेतना यादव, रुक्षाविंद, ठीक बेटे, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल बेटे। अपना और अपनों का ध्यान रखो, गॉड ब्लेस यू, ठीक है?
तो मडल मीन्स क्या होता है? घोटाला। और क्यों मडल माने? मड माने कीचड़। और जो लोग पैसा लेते हैं, मडल करते हैं, वो कीचड़ में फंस जाते हैं। मडल घोटाला, मडल घोटाला, मडल घोटाला। मडल मीन्स होता है कि ब्रिंग इन टू डिसऑर्डर। घोटाला का मतलब हो गया बेटे कि सब कुछ डिसऑर्डर में कर देना। कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट जल्दी बोलो बेटे, कमॉन कमॉन। एक बार बेटे लिंक को शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, तो क्या होगा, वो आपके दोस्त भी देख लेंगे, आपके नियर एंड डियर लोग भी देख लेंगे। कमॉन एवरीबॉडी, फटाफट शेयर कर दो बेटे एक बार। बहुत अच्छा, कमॉन एवरीबॉडी एवरीवन। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। एक बार लिंक को शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, कमॉन कमॉन। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओहो क्या बात है, डिंपल वर्मा, निशा मीना, बहुत अच्छे बेटे। चेतना यादव है ना, पटेल मैना, ठीक है बेटे। मनीष बिश्नोई, ठीक है, बहुत अच्छे बेटे, फैंटास्टिक। तो मेडल बेटे याद हो गया वर्ड अच्छे से, इसलिए बेटा जितना लाइफ में मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए, किसी को भी घोटाला नहीं करना चाहिए। घोटाला, घोटाला का मतलब घोट डाला, किसी का गला घोट डाला, राइट, जनता का गला घोट डाला। कमने बड़ी बड़ी, फटाफट आंसर दो बेटे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो बेटा क्या होता है, गेज होता है। देखो चित्र को देख लो, क्या है ये, इमेज देख लो। देखो ये साहब क्या कर रहे हैं, ये टकटकी लगा के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? टकटकी लगा के देख रहे हैं, राइट। तो एक टक देखना, लेकिन ये तो इरादा से देखना होता है। तो एक टक देखने को हम लोग क्या कहते हैं, किसी को एक टक मत देख। गवर्नमेंट ने नियम भी बना दिया है कि किसी को भी आप एक टक घूर के देखते हैं काफी देर तक, गवर्नमेंट के हिसाब से 30 सेकंड अगर आपने किसी को घूर के देखा तो व्यक्ति आपके खिलाफ क्लेम कर सकता है। तो गेज माने होता है घूर के देखना, घूर के देखना, जैसे एक आंख फाड़ के देखना किसी को, तो गेज, राइट, गेज। अरे भैया 10-4 गज मीटर की दूरी बना लेते हैं लोग, फिर भी गेज करते हैं। गेज माने क्या करते हैं, 4 गज की 3 गज की दूरी हो, 2 गज की दूरी हो, फिर भी गेज करते हैं, राइट। तो बड़ा आसानी से वर्ड हो गया। तो गेज माने होता है एक तक देखना, गेज माने क्या होता है, एक तक देखना। और ध्यान देना, गलत इरादे से दिखना, प्यार से नहीं। हालांकि इसमें तो खैर व्यक्ति प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा सिचुएशन, जो चीज फिगर दिख रहे अपोजिट। गेज, कुछ गज की दूरी पर से ही लोग गेज करते हैं, राइट, और एक तक दिख रहे हैं। और देखिए देखिए इंग्लिश में लिखा है इंटेंट लुक। इंटेंट माने क्या होता है बेटे, इरादा के साथ देखना। इंटेंट माने इरादा के साथ देखना, नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखना। अ फिक्स्ड लुक, राइट, कोई भी व्यक्ति आपको क्या करता है, एकदम फिक्स होके देखता है। क्या देखता है? फिक्स होके देखता है, राइट, और वो वहां से नजरें हटाता ही नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंटेंट लुक कहा जाता है बेटे, इंटेंट लुक कहा जाता है, ठीक है। पेंटर, बस आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग, किसी की भी रेज केवल एक ही व्यक्ति की तरफ हो, एक ही व्यक्ति की तरफ हो, इसे इंटेंट। और स्टेयर माने होता है घूर कर देखना, घूर करके देखना। कभी गुस्से में होता नहीं, मैं तुम्हें कट डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मतलब घूर के देखने को बोला जाता है बेटे। कौन, फटाफट आंसर दो बेटे। किट्टू श्रीमाली बेटे है ना, मनीष बिश्नोई, बहुत अच्छा। तो देखो आई थिंक वर्ड याद हो गए होंगे बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉन्डर मीन्स क्या होता है, पॉन्डर है ना, पॉन्डर है ना, पूछने से पहले, कुछ करने से पहले डरो। डरो का मतलब चिंतन करो, क्योंकि बेटे जानते हो, एक बार जानते हो ना, अगर तीर कमान से निकल गया, बंदूक से गोली निकल गई और जुबान से शब्द निकल गए, तो वापसी नहीं होता है बेटे, राइट। किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले ये सोचो कि इसका प्रहार, इसका प्रभाव अगले पर क्या पड़ेगा, अगले के ऊपर क्या पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच के किसी के ऊपर अगर कुछ कोई भी शब्द बोलते हो बेटे, तो ये मानकर चलो, कभी कभी बच्चे भी हम लोगों को कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो वास्तविकता में यहां हर्ट करता है। ऑलरेडी हर इंसान किसी न किसी कारण से पहले से ही इतना हर्ट होता है, इतना हर्ट होता है, वो अपने काम में अपने को खुश रखने की कोशिश करता है, फिर भी लोग जाने अनजाने में उसको हर्ट कर देते हैं। उनको यही नहीं पता होता है कि इस शब्द का इस व्यक्ति के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वन वर्ड कैन ब्रिंग अ लाइफ, एक शब्द जिंदगी दे सकती है, एंड वन वर्ड कैन है ना टेक योर लाइफ।
एक शब्द ऐसा होता है जो आपकी जिंदगी ले ही सकता है। तो बेटे हमेशा शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, जब बोलो थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझ के बोलो। तो पोंडर मीन्स होता है बेटे चिंतन करना होता है ना। पोंडर, कोई भी शब्द बोलने से पहले डर, है ना, पहले डर, पोंडर, राइट। पोंडर मीन्स होता है चिंतन करना, और अच्छे से चिंतन करना, सोचना समझना। लाइफ में कोई भी डिसीजन फास्ट मत लेना, बहुत आराम से लेना, आराम से काम करना। पहले पोंडर करिए, पहले चिंतन करिए, तब कोई निर्णय दीजिए। क्योंकि एक आपकी जिंदगी का निर्णय आपके लाइफ को बना सकता है, एक आपकी जिंदगी का निर्णय आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए जो भी चीजें करें चिंतन करके करें। थिंक ओवर, मैं किसी पर विचार करना, थिंक ओवर अबाउट दिस मैटर। बिफोर थिंकिंग ओवर अबाउट दिस मैटर यू शुड नॉट गिव द डिसीजन। कंसीडर मतलब विचार करना, जैसे आई कंसीडर इट, आई एम कंसीडरिंग इट। बेटा आई टू थिंक डीपली, बेटा पोंडर मतलब होता है डीपली सोचना। हमें पर डे सोचना चाहिए, जिस प्रकार मैं काम कर रहा हूं क्या इससे मेरा विकास होगा या नहीं होगा, मेरी लाइफ कैसी चल रही है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। बेटा अगले वर्ड की तरह आई थिंक याद हो गया होगा, अब शार्प। देखिए ये किसका चित्र है, चाकू का इमेज है ना। देखिए शार्प, शार्प माने क्या होता है बेटा, तेज होता है। शार्प माने क्या होता है, देखिए क्या है ये, देखिए चाकू की नोक है ना, तेज है ना बेटे, शार्प है। तो शार्प मतलब होता है तेज होना। जैसे माई नाइफ इज शार्प, अगर मैंने ये कह दिया तो मैंने क्या कह दिया कि माई नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ इज शार्प, है ना। नाइफ लिखना, वाइफ मत लिख देना जो लोग शादीशुदा होंगे, राइट। अरे वाइफ भी चलेगा, माई नाइफ इज शार्प, मेरी चाकू तेज है, वाइफ है चल जाए वो भी, माई वाइफ इज शार्प, वॉट एवर, राइट। तो ये शार्प माने तेज होता है। शार्प का मतलब होता है शार्प माइंडेड, तेज दिमाग वाला। अच्छा, जिसमें धार है उसको शार्प कहते हैं। और जैसे मान लो ये चाकू काटते काटते इसका धार ही खत्म हो जाए तो इसे ब्लंट कहते हैं। देखो बेटा ब्लंट, शार्प माइंडेड माने दिमाग, तेज दिमाग का। जैसे कि माई ऑल स्टूडेंट्स आर शार्प माइंडेड, मेरे ज्यादातर बच्चे बहुत शार्प माइंडेड हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें हैं, रुशिंद हैं, किट्टू श्रीमाली हैं, है ना, रेखा परिहार हैं, ये सारे बच्चे बहुत शार्प माइंडेड हैं। निशा है, राइट, बहुत सारे बच्चे हैं, किट्टू श्रीमाली, राइट, बिश्नोई जी हैं, राइट, बहुत, डिम्पल वर्मा है, राइट, बहुत सारे बच्चे हैं, ये सब बच्चे मेरे शार्प माइंडेड हैं, बहुत अच्छे बेटे। तो देखो हैविंग शार्प माने होते हैं शार्प माइंडेड। लड़का अगर तेज है तो माई ऑल स्टूडेंट्स आर शार्प माइंडेड। अगर कोई बच्चा क्या है, डल है, तो उसे बोलेंगे ब्लंट। ब्लंट, ब्लंट माने बिना धार का, और बिना धार का मतलब होता है बिना दिमाग का। ही इज ब्लंट माइंडेड, आई डोंट लाइक ब्लंट माइंडेड पर्सन, आई लाइक शार्प माइंडेड पर्सन। बेटे बोल लो और लिख लो। मेरे प्यारे बच्चे आप मेरे साथ बोलते भी हो प्लीज, अगर मेरी बात थोड़ी भी मानते हो, मेरी थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हो, तो बेटा जैसे मैं बोलता हूं आप भी बोलो, अंग्रेजी के प्रति आपका अथाह लगाव हो जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी बे, फटाफट। तो हैविंग पॉइंट, एबल टू कट आर पर्स, एबल टू कट इजली, रेजर भी उसे कहते हैं, ठीक बेटे। अगले वर्ड की तरफ हम लोग फटाफट बढ़ते हैं, स्टैमर, राइट। स्टैमर हकलाना होता है ना। अब स्टे मर्म करना, मरमर माने का था बोलो करना, स्टैमर में क्या होता है, हकलाना, तुतलाना। देखिए जैसे लोग कुछ ना दिल्ली, राइट, कम ऑन एवरीबॉडी, राइट। तो बहुत सारे वर्ड वो धीरे धीरे बोलते हैं, पूरा कंफर्म नहीं। छोटे छोटे बच्चे अक्सर ऐसा ही बोलते हैं, आप जानते होंगे, पापा, राइट, मम्मी। तो स्टैमर है ना, स्टे स्टे मरमर मरमर बड़बड़ाना होता है, स्टे मरमर, स्टैमर स्टैमर स्टैमर। तो स्पीक विद हाल्टिंग आर्टिकुलेशन, साफ ना बोल पाने को स्टैमर कहते हैं। एनीवन इज स्टैमरिंग, एनीवन इज स्टैमर्स, डू यू स्टैमर, बोलो बेटे फटाफट बोलते जाओ, ठीक बेटा। राय सर इज शार्प माइंडेड, नो आई एम नॉट शार्प माइंडेड, आई एम ब्लंट माइंडेड, ओके, कम ऑन बेटे, बहुत अच्छा, हटाना होता है, बहुत अच्छा। रुक, किट्टू श्रीमाली बेटा, पटेल, मैं ना, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लोग। बेटे एक बार लिंक को शेयर कर दो आपके दोस्त यार मित्र फ्रेंड सारे लोग फटाफट जुड़ जाए। कम ऑन एवरीबॉडी, संख्या मजबूत होनी चाहिए तभी मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, जितने लोग भी क्लास लेते हैं अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूं। आई एम रियली सॉरी, फिर मैं आपको नहीं सेवा कर पाऊंगा आपकी, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। क्योंकि इतनी कम संख्या होना हम लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और जब प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि सर आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो इसलिए बच्चे ज्यादा नहीं है, तो फिर हम वहां से बेटे बैक हो जाते हैं। ठीक है, मान सम्मान पर जहां जोर और आंच आए वहां दिक्कतें होने लगती हैं। इसलिए बेटे आप ही मेरे मान हो, आप ही मेरे सम्मान हो, आप लाइन से लाइव रहो, मेहनत करो, और डेली बेटे आपके लिए पढ़ाई से ज्यादा कोई काम लाइफ में है ही नहीं महत्वपूर्ण। इसलिए पढ़ाई पर बेटे ध्यान दो और डेली लाइव रहो बेटे, टाइम को वेस्ट ना करो। कम ऑन एवरीबॉडी। तो बेटे ये होता है स्पीक विद हार्टिंग आर्टिकुलेशन। ठीक है, इमेज से भी आप समझ सकते हो। एक तो बेटा होता है डायवोर्स, डायवोर्स भी जानते हैं, डायवोर्स माने तलाक करना होता है, तलाक लेना होता है। अब एक होता है डिवोर्सी, डी आई वी ओ आर, देखो ये वर्ड है डी आई वी ओ आर सी ई, तलाक लेना होता है। तलाक भी एक जीवन का ऐसा पल होता है, इंसान के लाइफ में बहुत ही कष्ट का पल होता है, राइट। तो डिवोर्स माने तलाक, और इसी में जब डी आई, देखो बेटे डी आई वी ओ आर सी डबल ई, इसे बोलते हैं डिवोर्सी, डिवोर्सी, ही इज अ डिवोर्सी, जैसे He is divorcee या divorced person, तो सही वर्ड है divorcee. I met a divorcee, right? He is divorcee, she is divorcee. बेटे तलाकशुदा होता है। आप देखो तलाकशुदा का मतलब 36 का आंकड़ा। भाई हम किसी से हमारा तलाक क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, हमारी सोच नहीं मिलती है, हमारी साइकोलॉजी नहीं मिलती, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, हमारे एक दूसरे के भाव और भावनाएं नहीं मिलते हैं, तभी डिवोर्स के सिचुएशंस आते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे आर डिवोर्स्ड पर्सन, शी ही इज डिवोर्सी एंड शी इज डिवोर्सी, राइट। तो दिस इज द वर्ड, राइट, डिवोर्सी बहुत अच्छा वर्ड है। कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट आंसर दो बेटे। अगला वर्ड क्या है? अब मैनिपुलेट माने होता है, ध्यान दीजिएगा, चालबाजी करना, तिकड़म लगाना, राइट। ऐसा मैन जो हमेशा किसी को पुल करता रहे, राइट, ऐसा मैन जो किसी को हमेशा पुल करता रहे, ऐसा इंसान जो किसी को हमेशा पुल करता रहे, ऐसा मैन जो पुल करता है वही तो गया मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मीन्स क्या होता है? तिकड़मबाजी करना, आपके सामने आंख वाली, सामने वाले के सामने वाली, और इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर करने वाले लोग को क्या कहते हैं? तिकड़मबाजी कहते हैं। और मैन को जो हमेशा इधर से उधर पुल करे, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन होता है, चालबाजी करना। आप देख सकते हैं कि दिस लेडी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट दैट लेडी, ओके। तो देखिए ध्यान, इस मैनिपुलेट, मैन को पुल करने वाले हमेशा ऐसा काम करते रहते हैं, अपने मौके का फायदा लेते रहते हैं, दे आर कॉल्ड मैनिपुलेट एंड दे आर कॉल्ड मैनिपुलेटर। कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट आंसर की भेजो, फटाफट, कम ऑन जल्दी कीजिए। अगला वर्ड है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट को क्या कहा जाता है? त्रिशूल कहा जाता है। कहा जाता है ना भगवान शंकर को क्या कहा जाता है? भोला, और क्या कहा जाता है? भाला। तो ध्यान दीजिएगा, भोला उनके लिए जो अच्छे हैं, जो अच्छे हैं उनके लिए भोला, मतलब सीधा साधा एकदम सज्जन, और भाला उनके लिए जो लोग गड़बड़ हैं, राइट। तो ऐसे इंसान भी होते हैं जो बहुत भोला है उसके सामने भोला बन के गए, और जो गड़बड़ है भैया भाला लेके जाओ। देखो नाम में ही कितना अच्छा डेफिनेशन है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जो प्यार से आ गया, बात तो समझ गया, तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसके लिए हम भोला हैं, और माहौल गड़बड़ किया तो उसके लिए हम भाला भी हैं, होना भी चाहिए ऐसा, राइट। तो ट्राइडेंट मतलब ट्राई मींस क्या होता है? देखिए होता है ट्राई मींस होता है थ्री, ट्राई मींस क्या होता है? थ्री। अब आप देखो थ्री प्रोंग्ड माने होता है निकला, स्पीयर माने क्या होता है? भाला। आप बताओ भगवान शंकर ही बड़े समझदार थे क्या कि भैया एक भाला है मान लो लगाए और इधर का उधर हो गया तब क्या होगा, और तीन है तो कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही मामला, समझ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं तो मामला फंसेगा ही फंसेगा। तो भगवान शंकर ने कहा काम ऐसा करो कि एक बार ही दाएं जाए तो बाएं जाए तो काम करके ही आए, राइट। कम ऑन एवरीबॉडी। तो थ्री प्रोंग स्पीयर, इसे भाला कहते हैं। थ्री देखिए, थ्री मतलब देखिए निकला है ना, देखिए इस इधर लग गया तो भगवान की दया से काम तमाम,
इधर लगा तो फंसाते हुए ले जाएगा, इधर भी लगा तो भी फंसाते हुए ले जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, ट्राई मैंने तीन, और डेंट मीन्स क्या होता है, प्रोंग्ड स्पीयर, तो इसीलिए इसका डेफिनेशन भी इंग्लिश में है, अ थ्री प्रोंग्ड स्पीयर, इसे होला भाला कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो गाइस ये आज आपके वर्ड्स थे, ऐसा प्रयास रहा वर्ड पावर का, जो भी मैं कर सकता हूं जैसा कर सकता हूं उसको मैंने किया। तो गाइस अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट हम लोगों ने कल वॉइस पढ़ा था, और वॉइस से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कल मैंने आपको पढ़ा दिया था मॉडल्स का, राइट तो उसी में हम लोग कुछ क्वेश्चन को और कर लेते हैं। वॉइस का दो चार बच्चे और बता दो, है ना, जैसे कि शुड, देखिए एक क्वेश्चन है कि शी शुड, जल्दी से बना के भेजो बेटे, शी शुड हेल्प एवरीवन, एवरीवन आप बता दो बेटे इसका पैसिव क्या होगा, शी शुड हेल्प एवरीवन, शी शुड हेल्प एवरीवन, जल्दी बताइए फटाफट, एक रुक जाइए अभी कराते हैं उसको, इसी में समझा रहे हैं, दो ही चार लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है, कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी करिए फटाफट, अरे एकदम सिंपल है भाई, एवरीवन शुड बी helped, should be लगा दीजिए, और आपको मैंने कल कहा ही था इसका V3 कर दीजिए, everyone should be helped, सब की मदद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो एग्जाम में और अगर टफ करता है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस वाले पैसिव होते हैं उनको देखिए आप लोग, इंपरेटिव वाले, तो जैसे अगर मैंने ये कहा कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि गो देयर, मैंने लिख दिया कि गो देयर, आप वहां जाओ, ठीक है, अगर मैंने यही वर्ड लिख दिया गो देयर, जाहिर सी बात है ये क्या है, ये क्या है, ये जाहिर सी बात है कि इंपरेटिव वाक्य है, कोई ना कोई आर्डर दे रहा है, कोई ना कोई कह रहा है, और इंपरेटिव वाक्यों में क्या होता है, हमेशा क्या छुपा रहता है, यू छुपा रहता है, जब आप यू लिख लेंगे तो आपको आसानी से क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, और आपका क्या हो गया, वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए अगर ऐसा स्थिति है, गो देयर कोई ऑर्डर दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, कितना सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्या हो जाएगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक, टू गो देयर, अरे गो देयर जाओ वहां पे, क्या कहा सर आपने, कुछ समझ नहीं, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, तुम्हें ये आदेश दिया जाता है कि तुम वहां जाओ। ठीक, अगली बात ये है, सिचुएशन है आपका कि जैसे मैंने कहा कि ओपन द डोर, यही एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जल्दी बताइए आप लोग फटाफट, ओपन द डोर का पैसिव क्या होगा, कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी बताइए फटाफट, तो प्रैक्टिस कराता हूं, ओपन द डोर, देखिए ओपन मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल सेंटेंस, रूल बता दे रहा हूं, ओपन द डोर, अब इतना छोटा सेंटेंस बच्चा देख के टेंशन में आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको कहां से पैसिव बनाए, तो अब हमने आपको एक क्लू दे दिया कि बेटा आप सब्जेक्ट इसमें हमेशा छुपा रहता है, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं है यू ओपन द डोर, वास्तव में यू छुपा हुआ है, और हमें कहने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ऑर्डर वगैरह वाले शब्द में ना बहुत ज्यादा बोल दिया जाए तो ऑर्डर लगता ही नहीं, मैंने कहा कि यू ओपन द डोर, ऐसा लगता है जैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर दो, खोल देंगे तो ठीक, नहीं खोले तो कोई बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो अब आप इसको किससे बनाते हो, लेट से बनाते हो, इसको आप क्या करोगे, लेट, अब आप क्या ले लो, इसको ऑब्जेक्ट है आपका, तो लेट द डोर, राइट, लेट द डोर बी, राइट, और ये आप वर्ब का थर्ड फॉर्म कैर्स लगा दीजिए, बी ओपेंड, अब आपको इसी के हिसाब से क्या कर देना है, स्ट्रक्चर भी बना देना है, लेट प्लस का हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देखिए डोर आपका ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर ऑफ बी है ही, प्लस बी कर दीजिए, और प्लस ये क्या है आपका V3, यही आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है, कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट, आंसर दीजिए जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे, और फटाफट आप लोग बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है, हमने बहुत पढ़ा दिया और आपने एक्सरसाइज नहीं किया, तो फ्रेंकली स्पीकिंग जितना पढ़ाया वो सब धीरे से भूल जाओगे आप,
ठीक है, ये नहीं लाना है आपको, हाँ कर लो प्रैक्टिस। चलिए ये है हाँ, तो चलिए आपको ये बताना है, आपको कुछ मैंने करा दिया था, 15 से 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, कुछ रह गया है तो आपको इसकी पैसिव बनानी है। ठीक, एक और इसमें होगा तो क्या, एक मिनट चाहिए, ठीक है ये करा देता हूँ, 20 क्वेश्चन इसमें लिए थे। एक और प्रैक्टिस सेट होगा क्या पांडे जी, इसमें देखिए, हाँ हाँ कल वाला जो था देखिए, एक मिनट वेट गाइस, वेट वेट फटाफट, कल एक मिनट मुझे ये देखिए, ये है क्या शायद इसमें, ये एक मिनट मुझे देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिया था, यही था, इसी में कराना था, सीक्वेंस में चलेंगे गड़बड़ हो जाएगा, हाँ यही था, इसमें से मैंने 15 करा दिया था, नहीं नहीं एक मिनट पांडे जी कम 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 पीछे जाइए बैक जाइए, एक मिनट बेटा रुक, बस एक मिनट, इसके पहले वाले डेट में रहा हुआ देखिए, हाँ ये इंग्लिश ओपन करिए, एक मिनट रुक जाइए, मुझे नहीं नहीं ये नहीं, पीछे जाइए पीछे बैक जाइए, हाँ पीछे जाइए एक मिनट, ये इंग्लिश वन इंग्लिश टू, अच्छा ये तो दूसरा है, एक और पीछे जाइए, वेट अ मिनट गाइज, वेट अ मिनट, चलिए उसी को ले आइए जो पढ़ा रहे थे, नहीं मिल रहा है अभी जो पढ़ा रहे, अभी जो जो आपने दिया था मुझे, चलिए सिखा देते हैं, चलो गाइस आप बताइए आपको पैसिव बनाना है, द कैट किल्ड द माउस, कम ऑन एवरीबॉडी फटाफट बताइए, जल्दी करिए, राइट टाइम बहुत कम है और आपको फटाफट इसके आंसर देने, कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी करिए, कम ऑन, द कैट किल्ड द माउस, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा राइट आंसर, जल्दी फटाफट बताइए, अरे बहुत सिंपल है भाई, आप क्या करोगे कि द माउस को यहां पे ले आओगे, राइट द माउस, अब किल्ड है तो वाज हो जाएगा, द माउस वॉज किल्ड, किल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड, अब किसके द्वारा, बाई द कैट, जल्दी से एकदम बेसिक है, बेसिक कर लिए फिर एडवांस लेवल का जब करेंगे तो और जल्दी समझ में, कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी करिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मैन कट डाउन द ट्री, कम ऑन जल्दी करिए, अब देखिए क्या है, द ट्री को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द ट्री, अब द मैन कट डाउन द ट्री, द ट्री वॉज कट डाउन, राइट कट डाउन किसके द्वारा, बाय द मैन, ठीक है फटाफट करिए जल्दी करिए, कम ऑन एवरीबॉडी, अब देखिए क्या है, कोलंबस डिस्कवर्डेड अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्डेड अमेरिका, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट करिए आप लोग कर लीजिए, कोलंबस डिस्कवर्डेड अमेरिका, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, अमेरिका, करके बताइए, ऑलरेडी मैं कराया हूं फिर से कर लीजिए आप लोग, कम ऑन एवरीबॉडी, तो क्या हो जाएगा, अमेरिका क्या हो जाएगा, अमेरिका वॉज किसके द्वारा, डिस्कवर्डेड किसके द्वारा, बाई कोलंबस, एकदम आसान है जल्दी करिए फटाफट, आप बताइए फटाफट, अगर प्रैक्टिस किया है आपने, अगर वास्तव में पढ़ा है, हिज टीचर प्रेज्ड हिम, फटाफट बताइए, ऑलरेडी आपने खूब प्रैक्टिस किया है, जम के प्रैक्टिस किया है तो बता दीजिए, इट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट फॉर यू, बहुत अच्छा, ज्यादातर बच्चों का क्या हो जाएगा, तो है जाएगा
He praised his teacher, तो क्या हो जाएगा? He was praised by his teachers. ठीक है, एकदम सिंपल है. चलिए अब बताइए इसमें क्या होगा. The boy teased the dog. Come on everybody, it is a kind of test for you. फटाफट जल्दी जल्दी सेंड करिए अगर आप वास्तव में कर पा रहे हो तो. अब देखिए the boy teased the dog. तो जाहिर सी बात क्या है, हम डॉग को पहले लाएंगे तो the dog क्या हो जाएगा. Teased है तो was किसके द्वारा, teased किसके द्वारा, by the boy. फटाफट करिए बताइए, जल्दी करिए, डोंट वेस्ट टाइम, एकदम सिंपल है. अब देखिए द सीसे फीड्स द हॉर्स. बताइए मुझे फटाफट. जल्दी करिए, कमॉन. द सीसे फीड्स द हॉर्स है ना, तो क्या हो जाएगा. तो यहां पे आप ले लीजिए कि द हॉर्स, H-O-R-S-E, the horse feeds है ना, is fed किसके द्वारा, by the S-Y-C-E, every day. अब every day लगा देना. ठीक बेटे, करके दिखाओ फटाफट. The police arrested him. एकदम सिंपल है, आप कर चुके हो, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लो बेटे, कि बेस जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा स्टैंडर्ड लेवल का प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा होगा. कम ऑन एवरीबॉडी. He was arrested, गौरव शर्मा. The police क्या हो जाएगा, इसको सिंपल सा बताओ बेटे फटाफट, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान देना कि अब him है ना, तो क्या हो जाएगा, He was arrested. ठीक, फिर गलत कर जाते हो, by police नहीं लगेगा. अरे भाई अरेस्ट का काम कौन करेगा, पुलिस ही तो करेगी. The doctor operated the patient. गौरव शर्मा ध्यान सुनना बेटे. The doctor operated the patient. The patient was operated. Doctor लगाने की जरूरत नहीं है. The patient was simply operated. That is. Ram was making a kite. इतना सिंपल है, इतना सरल तो कोई देगा ही नहीं जल्दी, फिर भी नहीं हो पाता है. तो क्या हो जाएगा, a kite was being made. A kite was being made किसके द्वारा, अरे भाई लगा दो भाई, रामा सीता गीता फीता जो भी है. A kite was being made by रामा, क्योंकि ing है तो जाहिर सी बात है आपको क्या गाना होगा, being लगाना होगा. फटाफट जल्दी करिए, come on जल्दी करिए. अगला देखिए भाई क्या होगा. The boy caught the ball. जल्दी बताइए, करा चुका हूं बड़ा आराम से. देखो द क्या हो जाएगा, द बॉल वॉज कॉट किसके द्वारा, बाई द बॉय. एकदम सिंपल है, जल्दी करके फटाफट बताओ. My father will write a letter. तो क्या हो जाएगा, a letter will be written किसके द्वारा, a letter will be written by my father. It is a kind of test. और बताना कितना सही किया, 100 होना चाहिए सही, 100 में 100. बताओ बेटा जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा गौरव शर्मा. द बॉल वॉज कॉट बाई द बॉय, बहुत अच्छा डिंपल वर्मा, बहुत अच्छा. अब देखो आई विल कॉन्कर हिम, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी conquered कॉन्क्वर्ड बाई मी. चलिए बताओ फटाफट, ही विल बी कॉन्क्वर्ड बाई मी. He kept me waiting. तो क्या हो जाएगा बेटा, I was kept waiting किसके द्वारा, by him. He was kept waiting by him.
He was kept waiting by him. बहुत easy है, फटाफट करते जाइए. The hunter shot the lion. क्या हो जाएगा बताइए. देखिए the lion कितना आसान है. The lion shot है तो आवाज हो जाएगा shot by the hunter. Hunter फटाफट. The lion was ये देखिए आपका shot रहेगा यहां पे S O U G H T shot. The lion was shot. करा देते हैं ठीक. अब देखिए आकाश opened the door. आकाश opened the door. Come on जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा. तो क्या हो जाएगा The door was opened किसके द्वारा by आकाश. जल्दी करिए फटाफट. The door was opened by आकाश ठीक है. अब लास्ट वाला आप लोग बता दीजिए एकदम सरल है. Come on. A police caught the thief. अब इसको भी बताना पड़ेगा इतना आसान है कि आप अंडरस्टूड कर सकते हो. सिंपली क्या हो जाएगा A thief क्या हो जाएगा A thief was caught. अब by the police लगाने की जरूरत नहीं है. No need to write by a police या by the police. ठीक चल कल करा दूंगा. तो गाइस आज के लिए बेटे बस इतना ही. बाकी के प्रैक्टिस में आपको और कराऊंगा. बेस आपका अच्छा हो जाएगा फिर आपको आगे की एक्सरसाइज और समझ में आएगी. कल मैं आपको 20-25 क्वेश्चन और अच्छे से कराऊंगा ठीक है. तो गाइस